2014 में राजनीति के बड़े नाम शरद यादव को चुनाव हराकर चर्चा में आए राजेश रंजन उर्फ बाहुबली पप्पू यादव बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह राजनीतिक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव न सिर्फ बिहार की 100 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की योजना पर काम कर रहे हैं, बल्कि बिहार में एनडीए और राजद के सामने किसी तीसरे मोर्चे की संभावना को भी तलाश रहे हैं। हालांकि वह इसमें कितना सफल हो पाते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो है कि पप्पू यादव हमेशा कोई न कोई ऐसा कदम उठाते रहे हैं जिससे वो खबरों में बने रहते हैं। आखिर क्या है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की पूरी गणित, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार के पूर्णिया जिले के खुर्दा करवेली गांव में एक जमींदार परिवार में जन्मे पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से कांग्रेस की सांसद रही है। पप्पू यादव 1991 में, 1996, 1999 और 2004 में बिहार के अलग अलग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद रहे हैं। वह मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई दलों से जुड़े रह चुके हैं। पप्पू यादव को साल 2015 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिल चुका है। पप्पू यादव ने 1990 में निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया, लेकिन आपराधिक मामलों के कारण उनका सियासी सफर विवादों से भरा रहा। निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने कम समय में कोशी क्षेत्र के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। पप्पू यादव का मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और कटिहार जिलों में काफी प्रभाव है। 1990 में पप्पू यादव ने सिंहेश्वर स्थान से निर्दलीय एमएलए बनकर पहली राजनीतिक सफलता पाई। इसके बाद 1991 में ही वह पूर्णिया से सांसद बने। इससे पहले 2015 में वो लालू यादव के साथ थे, लेकिन लालू यादव से सियासी मतभेदों के चलते इसी साल पप्पू यादव ने बिहार में अपनी जन अधिकार पार्टी बना दी। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारे थे। बाहुबली पप्पू यादव को कई मामलों में अदालत और जेल भी जाना पड़ा। पप्पू यादव ने पटना के बेऊर जेल से लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल तक के अपने सफर के अनुभवों को एक किताब में लिखा है। बीते मंगलवार को पप्पू यादव ने बिहार में डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी मोबाइल ऐप, फेसबुक और फोन से मिस्ड कॉल के माध्यम से लोगों को जोड़ेगी। सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आने वाले 2 महीनों में जो लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वे पार्टी के मोबाइल ऐप, फेसबुक या अपने फोन से 1800212102030 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर पार्टी की सदस्यता ले सकेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 22 अगस्त तक 50 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का है। इस दौरान पप्पू यादव ने जन अधिकार से बदले का बिहार नारा भी दिया। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या मामले में पप्पू यादव ने कहा कि वो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम नहीं उठा सकते। यादव ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। घटना के बाद पप्पू यादव सुशांत के परिजनों से मिलने भी गए। पप्पू यादव ने सुशांत की मौत को हत्या बताते हुए करण जौहर और सलमान खान की फिल्मों को बिहार में रिलीज नहीं होने देने का ऐलान किया है। यूं तो पप्पू यादव एनडीए और राजद के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने चौंकाने वाली घोषणा कर दी है। पूर्व सांसद ने कहा कि यदि एनडीए लोजपा के चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करे तो उनकी पार्टी एनडीए को समर्थन दे देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब दलित या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मधेपुरा से सांसद रहे पप्पू यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस उन्हें अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाए तो वो कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। उस समय पप्पू यादव ने कहा था कि देश और मानवता को बचाने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों एवं दलों को एकजुट होना चाहिए। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पप्पू यादव ने पटना में बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली कुमार सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही वो अपनी परंपरागत सीट मधेपुरा से भी चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी विधानसभा चुनाव में एनडीए व राजद से दूरी बनाकर रखेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस, हम, रालोसपा, वाम दल सहित अन्य दलों के साथ गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है। विधानसभा चुनाव से पहले 30 वर्ष की क्या लाचारी, अधिकार मांगे हर बिहारी का नारा देने वाले पप्पू यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, कांग्रेस, रालोसपा, हम व वाम दलों से तीसरा मोर्चा बनाने के लिए आगे आने की अपील की। इसके साथ ही लोजपा के चिराग पासवान को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हमेशा चर्चा में बने रहने वाले बाहुबली नेता ने सीएए के विरोध में वाम दलों के बंद के आह्वान के दौरान पटना में अनूठा प्रदर्शन किया था। पप्पू यादव ने सीएए के विरोध में हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर नागरिकता संशोधन कानून को संविधान की आत्मा पर हमला बताते हुए इस कानून से आजादी की मांग की थी।
अभी हाल ही में गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प में बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों के शहीद होने के बाद पप्पू यादव ने चीनी कंपनियों के विज्ञापनों पर कालीक पोत कर चीन के प्रति अपना गुस्सा जताया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बिहार। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।